हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्कॉच सेंचुरी। माय नेम इज सिद्धार्थ पराशर। आज का जो टॉपिक है जिस बारे में हम डिस्कशन करेंगे वो है कि क्या जैक डैनियल्स एक बर्बन विस्की है। आई एम श्योर जो भी जेडी पीते हैं ग्रुप सर्कल्स में, अपने फ्रेंड सर्कल्स में बैठते हैं और जेडी के बारे में डिस्कशन होती है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक डिबेटेबल टॉपिक है जिस बारे में डिस्कशन हर बार होती ही होती है। सो आज हम बात करेंगे कि क्या जैक डैनियल्स एक बर्बन विस्की है या कोई और विस्की है। सो बिफोर दैट, सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो एंड माई अदर वीडियोज एज मच एज यू कैन। स्टे ट्यून्ड। सो बिफोर डिस्कसिंग वेदर जैक डैनियल्स इज अ बर्बन विस्की और नॉट, आज हम बात करते हैं पहले कि बर्बन और एक स्कॉच विस्की में डिफरेंस क्या है। स्कॉच विस्कीज वो विस्कीज होती हैं जो कि स्कॉटलैंड में बनती हैं विद देयर डिफाइंड लॉस। बर्बन विस्कीज वो विस्कीज होती हैं जो कि अमेरिका में प्रोड्यूस की जाती हैं। अब हम बात करेंगे कि जैसे जैक डैनियल्स है वो अमेरिका में प्रोड्यूस होती है, तो क्या वो बर्बन विस्की है या नहीं। आई टेल यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बर्बन एंड टेनेसी विस्की नाउ। तो पहले हम बात करते हैं बर्बन विस्कीज के बारे में। बर्बन विस्की बेसिकली, अगर आपने नाम सुना हो जिम बीम का, तो जिम बीम एक बर्बन विस्की है। बर्बन विस्कीज के कुछ प्रोसेस हैं, कुछ लॉज हैं, तब उसको बर्बन कहा जाता है। पहले मैं बताना चाहूँगा कि बर्बन नाम कहाँ से डेवलप हुआ। बर्बन नाम एक बर्बन काउंटी करके केंटकी में एक एरिया है, वहाँ से डिराइव किया गया है। बर्बन को बर्बन कहलाने के लिए उसका जो बेसिक मिक्सचर होता है, एज इन जिस भी सीरियल्स और ग्रेन्स और माल्टेड बारलेस के कॉम्बिनेशन से उसको डिस्टिलेट किया जाता है, उसके अंदर मेजॉरिटी परसेंटेज विच इज़ 51% कॉर्न होना चाहिए। राइट, 51% होना चाहिए कॉर्न, और रेस्ट जो भी मिक्सचर होता है उसको मिक्स करके फिर वो उसको डिस्टिलेशन प्रोसेस में डाला जाता है। तो मिक्सचर हमारा तैयार हो गया है जिसकी मेजॉरिटी 51% कॉर्न है। अब हम बात करेंगे एजिंग प्रोसेस की। सो बर्बन को एज करने के लिए एक फ्रेशली चार्ड अमेरिकन ओक बैरल ही यूज होता है। अगर कोई भी विस्की फ्रेशली चार्ड अमेरिकन ओक बैरल के अंदर नहीं एज की जाती तो उसको बर्बन नहीं कहा जा सकता। लास्टली, एक बर्बन को बर्बन कहलाने के लिए एक स्पेसिफिक अल्कोहल बाय वॉल्यूम रिक्वायरमेंट फॉलो करना पड़ता है। उसके लिए तीन नंबर्स आप याद रखिए, 80%, 62.5% एंड 40%। जो मिक्सचर होता है वो 82.5% के ऊपर डिस्टिलेट किया जाता है, फिर उसका एजिंग प्रोसेस जो होता है उस मिक्सचर का, वो 62.5% ABV पे किया जाता है, और उसकी जो बॉटलिंग होती है वो एट 40% ABV या स्लाइटली हायर, लाइक 42.5 या 43% तक पे उसको बॉटल किया जाता है। ये थ्री नंबर्स याद रखिएगा, 80%, 62.5% एंड 40%। ये सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करने के बाद एक विस्की बर्बन कहलाती है। तो चलिए बात करते हैं टेनेसी विस्की के बारे में। जैक डैनियल्स इज अ टेनेसी विस्की। टेनेसी विस्की का जो प्रोसेस है वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल है बर्बन के प्रोसेस से। उसका मिक्सचर 51% मेजॉरिटी कॉर्न होना चाहिए, फ्रेशली चार्ड अमेरिकन ओक बैरल में वो डिस्टिलेट होनी चाहिए, बट बिफोर एजिंग स्टार्ट्स, जब उसको बैरल में डालते हैं उससे पहले एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस से टेनेसी विस्की को निकाला जाता है। कुछ दिन के लिए वो जो डिस्टिलेट होता है, जो मिक्सचर होता है, उसको उस फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू रख के निकाला जाता है, फिर उसको एजिंग की जाती है। उस प्रोसेस का नाम है लिंकन काउंटी प्रोसेस। ये बेसिकली जैक डैनियल्स कंपनी ने ही अपने लिए खुद निकाला था। आई टेल यू नाउ व्हाट इज लिंकन काउंटी प्रोसेस। सो लिंकन काउंटी प्रोसेस में बेसिकली होता क्या है, जो कि हमारा फ्रेश डिस्टिलेट है, जो हमारा मिक्सचर बनाया है 51% कॉर्न के मेजॉरिटी से, उसको एक शुगर मैपल चारकोल चिप्स के अंदर डिप किया जाता है। जो शुगर मैपल चारकोल चिप्स होते हैं वो बेसिकली शुगर मैपल शुगर जो होती है, शुगर सिरप होता है, उसको उस चिप्स में डुबो के आग लगा दी जाती है, और जैसे ही वो मैपल शुगर ब्लैक हो जाता है उसको ठंडे पानी में डाल दिया जाता है, ताकि वो जो चिप्स हैं वो मैपल शुगर का टेस्ट इनहेरिट कर सके। उसके बाद जो ये फ्रेश डिस्टिलेट है उसको इन चिप्स में कुछ दिन रखा जाता है ताकि वो इनहेरिट कर सके ये मैपल शुगर का और चारकोल का एसेंस और फ्लेवर। उसके बाद इसको अमेरिकन ओक बैरल्स में एज किया जाता है।
Let's do a quick recap of the difference between bourbon and Tennessee whiskey. Bourbon over here, Tennessee over here. Bourbon is Jim Beam, Tennessee is Jack Daniels. अगर हम टेस्ट की बात करें तो स्वीट वुडी वनीला कैरेमल टेस्ट होता है अपना बर्बन का, और टेनेसी विस्की का एक चारकोल और एक नटी स्वीट फ्लेवर होता है. कैसे बनाई जाती है बर्बन विस्की? अमेरिकन ओक बैरल में चार की जाती है, एज की जाती है. 51% उसका मेज कॉर्न कंटेंट होता है, विच इज़ अ मेजॉरिटी. सेम प्रोसेस फॉलो किया जाता है टेनेसी विस्की के साथ, विद अ बिट ऑफ डिफरेंस, दैट इज अ लिंकन काउंटी प्रोसेस, जहाँ से वो फिल्ट्रेशन होके अमेरिकन ओक बैरल में एज करने के लिए दी जाती है. कंट्री ऑफ ओरिजिन बर्बन USA, टेनेसी विस्की टेनेसी. जैक डैनियल्स और जिम बीम की मैं ब्लाइंड टेस्टिंग भी करूँगा आपके, आपको उसके बारे में बताऊँगा भी कि उसके फ्लेवर्स और अरोमाज और उसकी नोजिंग क्या है, क्या डिफरेंसेज हैं दोनों बर्बन और टेनेसी विस्की के अंदर. फॉर दैट यू नीड टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. इफ़ यू लाइक माई वीडियो, like it, share it with your friends who share the similar interest of drinking alcohol. मैं परफ्यूम के रिव्यूज़ भी करता हूँ. अभी रिसेंटली एक बहुत अच्छे परफ्यूम का रिव्यू किया है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है. तो अगर आप दारू पीने के साथ साथ परफ्यूम लगाने के भी शौकीन हैं तो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड इन्जॉय योर लाइफ. कोविड इज स्टिल देयर, डू वेयर योर मास्क. बार्स बंद हो रहे हैं, प्लीज़ सपोर्ट द बार्स एंड यू कैन ऑर्डर एल्कोहल फ्रॉम देयर. और 1 to 10 PM के बीच में आप बार्स जाके बार्स को भी सपोर्ट कर सकते हैं. यू नीड टू सपोर्ट द इंडस्ट्री ऑल्सो इफ यू लव ड्रिंकिंग. स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज. थैंक यू सो मच. साइनिंग ऑफ सिद्धार्थ पराशर फ्रॉम स्कॉच सेंचुरी. चीयर्स.